हेलो दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि मेरा यूट्यूब चैनल वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आप डिटेल में बता दीजिए। तो मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताया कि आप अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहो, वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। तो मेरा इस फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र मैं ओपन कर लिया और यहाँ पे टाइप करेंगे youtube.com। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप किया हुआ था तो इस प्रकार से इंटरफेस आ गया, तो मैंने इस प्रकार ओपन कर लिया। बट अगर आप टाइप करेंगे तो इस प्रकार से ओपन होगा क्रोम में, तभी हो सकता है। और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड कर लेना है, तो मेरा पहले से है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ पर अपने चैनल पर क्लिक करके यहाँ पर व्यूअर चैनल पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और ये व्यूअर चैनल पे जाके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कस्टमाइजेशन चैनल। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिखाई देता है, तो ये इस पर क्लिक कर लेना है। तो आपको किसी नए ब्राउज़र पर ले जाएगा, जब किसी मोबाइल में ब्राउज़र रहता है तो इसमें ले जाता है, बाकी किसी किसी में क्रोम ब्राउज़र से ये ओपन हो जाता है। तो इस मोबाइल में दूसरे ब्राउज़र पर ले गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस प्रकार ओपन हो रहा है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। बाकी आपका क्रोम में भी ओपन हो सकता है, उसमें तुरंत हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा चैनल का इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से कस्टमाइजेशन यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, टैग वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से वो सब कुछ नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉर्नर, सबसे कॉर्नर के साइड में जो सेटिंग होता है, जो सबसे कॉर्नर में सेटिंग होता है उसको क्लिक कर लेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कॉर्नर में सेटिंग है, तो इसे क्लिक करना है। ठीक है, और ये क्लिक होते ही इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, तो नीचे सेकंड नंबर पे दिखाई देगा चैनल। ठीक है, तो इस पे चैनल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेसिक एडवांस सेटिंग और फ्यूचर एंड एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे मिल जाता है फ्यूचर एंड एलिजिबिलिटी, उस पर क्लिक करके आपको दिखाई दे रहा होगा सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर पे फिर उस पर क्लिक करना है जो सेकंड नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसमें से आपको मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पर, देख सकते हैं यहाँ मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करना है। ठीक है, वो मोबाइल अच्छे से रिकॉर्ड लाइट के कारण नहीं हो पाया, तो उस पर मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक कर ले रहा हूँ और यहाँ पर डायरेक्ट वेरिफिकेशन की ओर ले जाता है। उसमें आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डायल कर देना है, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना टाइप कर लिया और गेट कोड पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का ओटीपी आ जाता है, जो ओटीपी आप यहाँ से ओपन होती है यहाँ पे इस प्रकार आ जाएगा। तो ओटीपी यहाँ पे सबमिट कर देंगे भर के, उसके बाद आपका ये मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ओटीपी आया, ये सबमिट कर दिया और मेरा ये मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सबमिट हो गया। ठीक, फिर आप इसी चैनल पर सेटिंग पे जाके चैनल पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे फिर एक ऑप्शन मिल जाता है जो फ्यूचर एंड एलिजिबिलिटी का, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका चैनल वेरीफाई हुआ है नहीं। तो मेरा ये चैनल वेरीफाई हो चुका है। तो आज का इतनी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।